44 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नरकटियागंज के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रेलवे प्रवेशिका प्लस दो विद्यालय में छात्राओं के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान कोविड 19 की सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता समापन के उपरांत कार्यवाहक कमांडेंट अनिल कुमार सिंह के द्वारा बालिका दिवस के अवसर पर भाषण दिया गया। इसके बाद छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार और अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद के उच्च विद्यालय में हो रहे विवेकानंद खेल महोत्सव का फाइनल मुकाबला नरकटियागंज टाउन क्लब के महिला एकादश ने सिवान के महिला एकादश को 2-1 से हराया। समापन समारोह का आगाज सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। छात्रों ने देशभक्ति गानों से लोगों का मन मोह लिया। उसके बाद राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया। दोनों टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए लोगों की वाहवाही पाई। पहला गोल सिवान की 11 नंबर की जर्सी पहनी मीना खातून ने किया। उसके बाद नरकटियागंज की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 गोल कर बढ़त बना ली और अंत तक सिवान की टीम कोई और गोल नहीं कर पाई और नरकटियागंज विवेकानंद खेल महोत्सव ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। निशुल्क कन्या विवाह संपन्न हुआ। राजस्थान के कोटा जिले में सर्व समाज सेवा संस्थान के सौजन्य से कन्याओं का निशुल्क कन्या विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। संस्था के अध्यक्ष अकरम खान और जनसंपर्क अधिकारी अब्दुल वाशिद कादरी ने बताया कि हमारा लक्ष्य 2021 में 521 लड़कियों का राजस्थान में विवाह करने का है। भवानियापुर में आदमखोर बाघ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम और पुलिस बाघ की तलाश में जुटी। आपको बता दें कि थाना मटेरा इलाके में भवानियापुर दर्शनपुरवा रघुनाथपुर में बाघ देखने से हड़कंप मच गया। बाघ की सूचना तत्काल वन विभाग और मटेरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग टीम पर मौके पर पहुंचकर बाघ की तलाश में जुट गई। आपको बताते चलें कि सुबह कुछ ग्रामीण खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक बाघ दिख जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा वन विभाग और पुलिस टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम लगातार खेतों में रेस्क्यू कर तलाश में जुटी हुई है। जगह जगह बाघ के पैर के चिन्ह भी मिले हुए हैं। फिलहाल पूरे गांव में वन विभाग पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही है, बाघ की तलाश कर रहे हैं। झांसी में गणतंत्र दिवस को यादगार बनाने के लिए अमर उजाला द्वारा राष्ट्र प्रेम और कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत नुमाइश ग्राउंड से जिलाधिकारी आंध्रा वामसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने की। लोग हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगाते चल रहे थे। वहीं महारानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में बच्चियां दिखाई दी। रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य तोपची गुलाम गौस खां की तोप भी शामिल रही। चायल विधानसभा क्षेत्र के पसौर गांव में रविवार को भाजपाइयों ने मन की बात सुनी। गई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला मंत्री जगदीश सरोच की अगुवाई में दर्जनों भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस दौरान मुख्य अतिथि जगदीश सरोच ने भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को गिनाते हुए पंचायत चुनाव में एकजुट होने की बात कही। इस दौरान योगेश यादव, अश्विनी धूरिया, सुभाष केसरवानी, राजकुमार प्रजापति, संग्राम सिंह यादव, धारा सिंह, शिवलोचन कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत केशोई के चकपुरवा गांव में अज्ञात कारणवश रात में करीब 1 बजे महिला के घर में आग लग गई, जिसमें महिला के घर में रखे लाखों रुपए की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। पीड़ित महिला के अनुसार नकदी और जेवर सहित घर में लाखों रुपए की गृहस्थी थी, जो जलकर आग में राख हो गई। महिला ने क्षेत्रीय पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए 3 लोगों को नामजद किया है, जिनके द्वारा महिला से विगत 2 दिन पहले विवाद में मारपीट और जोर जबरदस्ती की गई थी। आगे क्या हुआ, कैसे आग लगी? आज झगड़ा हुआ था शाम के, पुलिस आई थी। कब? शाम में 4-5 बजे। किस दिन? कल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद झगड़ा हुआ है। झगड़ा के बाद फिर हमारे घर रात में फूंक दिए। किससे झगड़ा हुआ था? रामू मक्खन। आपने एप्लीकेशन दिया था थाने में? हाँ, हमने दिया है। क्या बोले थाने से, क्या आश्वासन दिया गया था? थाने से कुछ नहीं किए हमको। वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई अभी आपको? अभी नहीं कुछ।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कपूरी ठाकुर जी की जयंती पर कपूरी आश्रम रामनगर में उपस्थित जदयू प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें संचालनकर्ता संजय राय जी ने किया। जदयू के मोहम्मद सलाउद्दीन, लाल बाबू पटेल, सुभाष कुशवाहा, अनिल पटेल, भोज कुशवाहा, नौशेर आलम, विश्वनाथ पटेल, मुन्ना राम, अखिलेश पासवान, वसंती देवी, नुरेशा खातून, ललन ठाकुर, मोहम्मद इकबाल आदि अन्य कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज की। प्रखंड के नामनगर मधुबनी गांव में शराब के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO अर्जुन लाल और थाना अध्यक्ष अभिनंदन सिंह शांतिपूर्वक माहौल को शांत कराया, लेकिन आक्रोश में आकर पुलिस पर ईंट पथराव और लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस पर जमकर पथराव किए, 7 पुलिस जख्मी हुए। नितेश कुमार, चौकीदार हुसैन अंसारी, सुनील सिंह, विजय कुमार सिंह काफी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें MJK अस्पताल बेतिया रेफर किया गया। रविवार को पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने मेनाटांड, इनरवा और पुरुषोत्तमपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान SP ने मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को ठंड के इस मौसम में ज्यादा सजग रहने पर बल दिया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कुहासा में खासकर रात में विशेष सजग रहें, ताकि असामाजिक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। वहीं समाज में आपसी सद्भाव बने रहे, इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित कांडों के निष्पादन, वारंटियों की गिरफ्तारी, थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने, सीमा क्षेत्र में गश्त बढ़ाने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत के जोगिया गांव में देवराज पॉली क्लिनिक जोगिया पर कैंप लगाकर राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तुलसी आंख अस्पताल बेतिया के सौजन्य से डॉक्टर निजाम अख्तर और फिलहाल बाबू की निगरानी में मोतियाबिंद मरीजों की जांच की गई। करीब 300 मरीजों का आधुनिक लेंस से जांच किया गया, जिसमें 70 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया। आपको बता दें कि 70 मोतियाबिंद मरीजों को तुलसी आंख अस्पताल बेतिया में बृहस्पतिवार को मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही साथ आने जाने का खर्च, चश्मा से लेकर दवाई तक, खाने पीने की व्यवस्था तुलसी आंख अस्पताल की तरफ से है। इस कैंपिंग के बारे में, जो आप जो कैंपिंग लगा रहे हैं, या पिछले कई वर्षों से लगा रहे हैं? पिछले 2 वर्षों से चल रही है यह योजना, भारत सरकार की है। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, तुलसी जनसेवा संस्थान द्वारा, तुलसी आँख अस्पताल बेतिया द्वारा, बेतिया जिले में हरेक पंचायत टोले कस्बे में आँखों का शिविर लगाकर मोतियाबिंद से चिन्हित रोगी का ऑपरेशन, लेंस, 1 हफ्ते की दवा, काला चश्मा, भोजन, बेड बिछाना, ये सारी सुविधा। देवराज पॉली क्लिनिक से डॉक्टर निजाम बात कर रहा हूँ। ये पॉली क्लिनिक है, यहाँ पे पैनल में और बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो पहले से आते हैं, अपने अपने टाइम से बैठते हैं। हमें पता चला कि तुलसी आँख हॉस्पिटल बेतिया द्वारा एक फ्री कैंपिंग हो रहा है, जिसमें मरीजों की जाँच कर उनकी आँखों की बीमारी को ढूंढ कर मोतियाबिंद जैसी बीमारी को वो लोग मुफ्त में ऑपरेशन करते हैं, खाना पीना रहना ये सारी चीज़ों प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इन लोगों से कांटेक्ट किया और इस टीम में एक मेरे प्रिय मित्र गोलू कुमार रामनगर से बिलोंग करते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित हो रहे NHI के टोल प्लाजा पर आए दिन टोल टैक्स को लेकर के वाहन चालकों और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच विवाद होता रहता है। वहीं बारा थाना क्षेत्र में उमापुर में प्रयागराज से बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए गए टोल प्लाजा पर भी आए दिन टोल प्लाजा कर्मचारियों और वाहन चालकों के बीच विवाद होता है, जबकि टोल प्लाजा कर्मचारियों के द्वारा वाहन चालकों से तय मानकों से ज्यादा टोल टैक्स वसूलने को लेकर के विवाद होता है। वहीं उमापुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर के कुछ वाहन चालकों से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। किस बात को लेकर यहाँ टोल पे झगड़ा? यहाँ पर टोल पे झगड़ा इस बात का ये लोग करना चाह रहे हैं कि पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। 95 रुपए अप डाउन जब लिखा हुआ है आपके बोर्ड में, 95 हम दे रहे हैं, इसके बाद आप 95 नहीं लेते। आप ये कहते हैं कि हम एक साइड ही काटेंगे, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी जो लड़की का मामला आ रहा, ये गलत है, ये इसमें कोई मतलब ही नहीं है। झांसी के थाना बड़ा गांव ग्राम दिगारा अज्ञात हमलावरों ने दवा व्यापारी की कार पर पत्थरों से हमला कर दिया। रंजिश के चलते पत्थरबाजी और फायरिंग की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए। हमारे पास एक गोलीबारी की सूचना आई, क्या पूरा मामला है सर? एक व्यक्ति जितेंद्र दुबे उर्फ जीतू महाराज दिगारा के निवासी है, इन्होंने आरोप लगाया है कि इनके ऊपर पत्थरों से और फायरिंग करके हमला किया गया है। इनकी सियाज गाड़ी का परीक्षण किया गया है, फील्ड यूनिट द्वारा भी परीक्षण किया जा रहा है। पत्थरों के लगने के निशान गाड़ी पे हैं, शीशे टूटने के निशान हैं।
फायरिंग के संबंध में साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। इनमें कुछ लोगों के रंजिश अपने से होनी बताई है, लेकिन अभी कोई तहरीर नहीं दी है। कोई घायल नहीं है, मौके पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खंडवा जिले के ग्राम नादिया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत लक्ष्मण चैतन्य बापूजी की कृपा पात्र परम पूज्य संत श्री सुखदेव चैतन्य बाबा जी द्वारा किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने निमाड़ी भजनों पर झूमकर नृत्य किया। आयोजन में आसपास गांव के खारकला, रजनी, पोखरकला, जमुनिया सहित कई गांवों के चैतन्य साधर परिवार और कथा श्रवण करने लोग पहुँच रहे हैं। बापू जी, ये 7 दिवस की आपकी भागवत कथा जो चल रही है और आज समापन हुआ है, इसका उद्देश्य बताइए। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवस से चल रही है। इसका भागवत जी का हमारा करने का उद्देश्य और उसका लक्ष्य एक ही है कि मानव जाति को बुरे संस्कारों से मुक्त करके सुसंस्कारी बनाना है और नव युवक पीढ़ियों को ये प्रेरणा देना है इसके माध्यम से कि वो फैशनों से मुक्त हो करके एक सुसंस्कारी बन करके, अध्यात्मवादी बन करके अपने जीवन को धन्य करे, यही हमारा श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य। और मेरा नाम श्री सुखदेव चेतन जी महाराज है, गोलोक धाम आश्रम नर्मदा तट कटार से, और परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य बापू जी का मैं शिष्य हूँ। जय श्री।